हेलो एवरीवन, मैं मानता हूँ गुड इवनिंग सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चे, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए आइए जरा हम लोग जो है आगे पढ़ते हैं। गुड इवनिंग सबको, और लेट्स कंटिन्यू आर ट्यूटोरियल। ओके जी सर, डे बिफोर आई रिसीव द बुक, सो उसमें करेक्शन है अकाउंटेंसी की बुक में? हाँ, अकाउंटेंसी की बुक में करेक्शंस वगैरह हैं, तो आपको करेक्टेड मिली है दोस्तों। कुछ गलती हो गई थी बुक्स में, तो आप सभी बच्चों के पास जो बुक्स हैं उसमें कुछ ना कुछ हम लोगों ने करेक्शंस कर रखी हैं। तो यस यू, मतलब हम लोगों ने उसको मैन्युअली करेक्ट किया है, मैंने नहीं किया। ये मैं सोचना कि श्रीनिवास सर ने खुद किया है, मैंने नहीं किया है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सब्सक्रिप्शन सिखाया था मेरे भाई, मैंने आपको लास्ट क्लास में सब्सक्रिप्शन सिखाया था। और वो कौन सा वर्ड था, आई वॉन्ट एवरी वन टू से, ठीक है, वो कौन सा वर्ड था जिसमें हमें फोकस करना था, वो कौन सा वर्ड था? एक्सीलेंट, एक बच्चे, दो बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तीन चार, अच्छा अब तो काफी बच्चे हो गए। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, स्टिल, वेरी गुड, परफेक्ट। हमें स्टिल वाले वर्ड पे हम लोगों को फोकस करना है, ठीक है, वेरी गुड, स्टिल वाले वर्ड पे हम लोगों को फोकस करना है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश बच्चे, शाबाश, मतलब आप लोगों ने काम वाम कुछ करा, ठीक है। चलिए आइए, और देखिए आप, हो सकता है कि कुछ एक पॉइंट्स, कुछ एक बैलेंस शीट वगैरह, हो सकता है आप लोग की टैली वगैरह ना हुई हो। एक्चुअली मैं भी कुछ काम में था अभी, तो दो चार बच्चों ने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने सीन कर लिया था, मैंने उसका रिप्लाई नहीं करा। तो आप उन बच्चों को सबको, मैं अभी बैच के बाद मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा, कुछ काम ही कर रहा था मैं। तो दोस्तों आइए जरा, मैं आप लोगों को 48 और 49, मैं मानता हूं कि आपका हो गया है, और अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, वो आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, एक मिनट, ओके, क्वेश्चन नंबर 50 पे जरा फोकस करते हैं, और 50 पे जितना मैं आपको बता रहा हूं उसके ऊपर जरा फोकस करिएगा दोस्तों। और आइए जरा बात करते हैं, मैं आपके सामने दो क्वेश्चंस लिख रहा हूं, और आप मुझे बताएंगे कि आप डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे, ठीक है। जल्दी सब बच्चों को बताना है कि अगर मुझे दे रखा है कि मेरे पास फर्नीचर है 10,000, और नीचे दे रखा है कि डेप्रिसिएशन है 10%, ठीक है जी, तो ध्यान से बताइए आप डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे। फर्नीचर 10,000, डेप्रिसिएशन 10%, कितना चार्ज करोगे साहब, जल्दी बताइए। बहुत आसान सवाल है, और ये तो सबके सब बच्चे धड़ल्ले की तरह बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, शाबाश, यस परफेक्ट, 1,000 इज द राइट आंसर। अब ये भी क्या सवाल है, ये कोई सवाल है, बच्चों वाला सवाल है, ये तो सबको पता था। और अगर दे रखा है 10% पर एनम, अगर दे रखा है 10% पर एनम, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, जल्दी अगर मुझे दे रखा है 10% पर एनम तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, जल्दी बताएं साहब। 1,000, सबके सब बच्चे 1,000 कह रहे हैं, परफेक्ट आंसर। परफेक्ट, 1,000 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो फिलहाल तो आपको इस पर एनम वर्ड से, फिलहाल तो आपको इस पर एनम वर्ड से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। एक आध बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए बस एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, जरा कुछ नहीं पूछा बेटे मैंने अब तक, मैंने बस ये पूछा है कि अगर फर्नीचर 10,000 है, डेप्रिसिएशन 10% है, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, द आंसर इज 1,000। और अगर फर्नीचर 10,000 है, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम दे रखा है, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, बच्चों ने कहा 1,000, परफेक्ट आंसर, ठीक है। आइए जरा चीजों को मैं और आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पर एनम वर्ड गिवन है, मान लेते हैं साल है मेरा जनवरी टू दिसंबर का, मतलब साल जनवरी दिसंबर, दो टाइप के साल होते हैं, अप्रैल टू मार्च, जनवरी टू दिसंबर, साल है मेरा जनवरी टू दिसंबर, और मैंने इस फर्नीचर को खरीदा है 1 जुलाई। अगर मैंने इस फर्नीचर को खरीदा है 1 जुलाई को, डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, आपको बताना है व्हाट इज द डेप्रिसिएशन, जल्दी बताएं प्लीज। एक बच्चे ने 1,000 लिखा हुआ था, जो गलत जवाब है, और एक बच्चे ने 5,000 लिखा है, वो भी गलत जवाब है, शायद टाइपिंग एरर हो गया है, बाकी सबका मैं देख रहा हूं
500 ही बता रहे हैं, बाकी सारे बच्चे, जो कि बहुत अमेजिंग आंसर है और बहुत आसान आंसर, बहुत बढ़िया। 500 इज द राइट आंसर, परफेक्ट, 500 इज द राइट आंसर, बड़ा बच्चों वाला सवाल, बहुत बढ़िया। और अगर मुझे दे रखा है फर्नीचर मैंने खरीदा है 10,000 का 1 जुलाई को, और दे रखा है डेप्रिसिएशन 10% है, तो आपको बताना है कि डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, जल्दी बताएं। अच्छा जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, 4-5 बच्चे जवाब दे रहे हैं बस। अच्छा अब काफी सारे हो गए, ओहो सबका मैं बन, अच्छा इतने पढ़े लिखे बच्चे हो तुम लोग, अच्छी बात है, मेरे स्टूडेंट्स हो, सही जवाब ही दोगे, बहुत बढ़िया, शाबाश, परफेक्ट, एंड द आंसर इज 1,000। तो आप लोग गेम समझ गए हैं सब, आप लोग गेम समझ गए। अगर मुझे पर एनम वर्ड गिवन होता है, मैं कंक्लूड कर देता हूँ सर, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ओके सॉरी मैं कुछ चेक कर रहा था। अगर मुझे पर एनम, ध्यान सुनिएगा, अगर मुझे वर्ड गिवन है पर एनम, इसका मतलब है कि मैं टाइम फैक्टर को कंसिडर करूंगा। एक बच्चे का हैंड्स अप हो गया है, बच्चे मैं आप एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप प्लीज नीचे कर लीजिए। ओके मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मुझे दे रखा है पर एनम वर्ड, ध्यान से समझिएगा प्लीज, अगर मुझे वर्ड दे रखा है पर एनम, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं टाइम फैक्टर को कंसिडर करूंगा। लेकिन अगर मुझे पर एनम वर्ड गिवन नहीं है, तो साहब मैं टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करूंगा। इज दिस क्लियर? फिर से एक बार बता देता हूं, अगर मुझे वर्ड गिवन है पर एनम, तो मैं टाइम फैक्टर को कंसिडर करूंगा, और अगर मुझे वर्ड गिवन नहीं है पर एनम, तो मैं टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि अगर मैं 30 दिसंबर को भी, मतलब साल खत्म होने के एक दिन पे, तृप्ति बेटे आपका हाथ के कारण मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया, प्लीज हाथ नीचे कर दीजिए, ठीक है। अगर 30 दिसंबर को, ध्यान से समझिएगा, अगर 30 दिसंबर को भी मैं अगर खरीदता हूं कोई एसेट, ध्यान से समझिएगा प्लीज, अगर मैं 30 दिसंबर को भी कोई एसेट खरीदता हूं और अगर दे रखा है 10%, तो भी डेप्रिसिएशन पूरा लगेगा। मतलब अगर ये मैंने फर्नीचर खरीदा होता 30 दिसंबर को, 10% दे रखा होता, तो द आंसर इज 1,000, क्योंकि हम लोग टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं करते। और अगर यहाँ पर होता पर एनम, तो मैं क्या करता, 10,000 का 10% कितने टाइम पीरियड के लिए, एक दिन के लिए, 1/365 में करता। Is this clear, दोस्तों? तो मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें क्लियर है। आपका मेन वर्ड इज पर एनम। अगर आप लोग पर एनम दे रखा है, टाइम फैक्टर कंसिडर करो, पर एनम नहीं दे रखा, आपको टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं करना है, मतलब आपको डेप्रिसिएशन पूरा पूरे साल का लगाना है, सब चाहे एक दिन के लिए आपने एसेट खरीदा। Is this clear? यही मुझे क्वेश्चन नंबर 50 में भी एक पॉइंट मुझे दे रखा है, आइए मैं आपको जरा दिखाता हूँ। एवरीवन प्लीज टेक आउट क्वेश्चन पेज नंबर 50। ओके जी, तो मैं मानता हूं क्वेश्चन नंबर 50 आप सभी ने खोल लिया है, और यहाँ पर आपको यही चीज दे रखी है, फर्नीचर के सामने आपको दे रखा है October 1st, ठीक है, और नीचे आपको दे रखा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 20%। तो कई बच्चे क्या करते हैं, ये जो साल है वो मेरा जनवरी टू दिसंबर का साल है, अगर आप ऊपर देखें तो 30th मतलब ये दिसंबर 30 होना चाहिए, 31st होना चाहिए, December 31st, 2010 का दिसंबर में साल मेरा खत्म हो रहा है, तो बेसिकली कई बच्चे गलती क्या करते हैं, वो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। लेकिन हमें तो पता है साहब, हम तो स्मार्ट बच्चे हैं, हमें तो पता है कि डेप्रिसिएशन यहाँ पर पूरे साल का लगेगा, क्योंकि मुझे पर एनम वर्ड गिवन नहीं है। दिस क्लियर दोस्तों? तो 3,000 का 20% पूरे साल के लिए, एंड द आंसर इज 600 रुपीज, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आइए मैं आप लोगों को एक बार जरा ये वाला क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, क्योंकि इसमें एक आध छोटी मोटी सी टेढ़ी मेढ़ी सी चीजें हैं, जरा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोगों को भी साथ, आप बच्चों को भी साथ मेरे साथ ये वाला क्वेश्चन करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग भी अपने, आपके पास बुक्स भी है, मोस्ट ऑफ यू हैव सम बुक्स, आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग बुक्स निकालिए, आप लोग रजिस्टर निकालिए, पेन निकालिए, और मेरे साथ शुरू हो जाओ क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो आइए जरा
यहाँ पर है मेरे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है जी, ये है मेरे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है जी। और फिर यहां पर एक जगह मुझे दे रखी है क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है, और एक मेरे पास है ओपनिंग, ठीक है जी। थोड़े से क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस शीट मेरी पत्नी बना रखी है, लेकिन मैं मानता हूं आप लोग जो है ये सारी चीजें समझ जाए, ठीक है। तो आइए जरा दोस्तों मेरे साथ, एवरीवन प्लीज लेट्स डू इट पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहली बात, कैश का ओपनिंग बैलेंस आप सभी को पता है कहां पर जाएगा, कैश मुझे दे रखा है 5000, ठीक है। अगला मुझे, अच्छा सबसे पहली बात हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया, सबसे पहली बात हमेशा एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। क्लब के पास 1600 मेंबर है, इसका मतलब है सब्सक्रिप्शन में हमें थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब सब्सक्रिप्शन का कुछ पॉइंट है यहाँ पर, तो सब्सक्रिप्शन में हम लोग टिक मार देंगे। 450 rupees आर स्टिल इन एरियर्स, 450 rupees आर स्टिल इन एरियर्स, और आपको पता है जब भी ये वर्ड गिवन हो स्टिल, तो उसमें एक गेम छुपा हुआ है, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, मतलब इसका मतलब है कि हमें इसको कैपिटल फंड में एड नहीं करना, हमें एक कैपिटल रिजर्व अलग से एक कैटेगरी हमें हमें क्वेश्चन में बनानी है, ठीक है, आसान है, मैं बता दूंगा। उसके बाद दे रखा है साल की शुरुआत में क्लब के पास एसेट्स थे और लाइबिलिटीज थी, फर्नीचर था हमारे पास 2000 का, स्पोर्ट्स फंड एंड 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है 30,000 rupees के, आपको डेप्रिसिएशन वगैरह प्रोवाइड करना। सिर्फ यही वाला जो एक पॉइंट है स्पोर्ट्स फंड और स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट के कारण मैं आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो करके दिखा रहा हूँ, तो जरा प्लीज ध्यान से समझना इस क्वेश्चन, ठीक है। तो कैश हम लोगों ने डाल दिया, लाइफ मेंबरशिप फीस, क्वेश्चन कह रहा था लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटल रिजर्व की तरह ट्रीट करना है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व, मैं शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज पूरा पूरा लिखिएगा कैपिटल रिजर्व, और यहाँ पर डाल देना लाइफ मेंबरशिप फीस है आपके पास, और कितना है आपके पास 12,000 का। हाँ मुझे पता है मैंने ही बताया था कैपिटल फंड में ऐड होता है, तो इन क्वेश्चन साफ साफ बोलता है कि इसको आपको कैपिटल रिजर्व में डालना है, तो आप लोग लिखेंगे बड़ा बड़ा सा कैपिटल रिजर्व, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा लाइफ मेंबरशिप फीस एंड 12,000, ठीक है दोस्तों, बहुत आसान सा। इसके बाद अगला मुझे दे रखा है सब्सक्रिप्शन, और याद करिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन वाला एक वर्किंग नोट भी बनाया हुआ था, तो अभी मेरे पास क्योंकि ज्यादा जगह नहीं है और क्योंकि मुझे इसका थोड़ा बहुत आंसर पता है, तो मैं सीधा तो हम लोग क्या करेंगे साहब कि हम लोगों ने अब जैसे ही मुझे ये वाला पॉइंट दिख गया, सब्सक्रिप्शन वाला ये वाला पॉइंट मुझे जैसे ही दिख जाएगा, तो हम लोग सीधा जाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2 में, क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 1 जो है वो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग सीधा सीधा कहां पर जाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 में जाएंगे सीधा। तो वर्किंग नोट नंबर 2 क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में बनाया था आप सभी ने, ठीक है, बना लिया हम लोगों ने, और उसके सारे आइटम्स को एक एक करके अब हम लोग यहाँ पर पोस्ट करेंगे। तो अगर ध्यान हो आपको तो सब्सक्रिप्शन आएगा आपके पास 16,000 का, एक बार यहाँ पर था, उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग नील था, तो उसको छोड़ो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड 1000 था, यहाँ पर आप लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1000, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या था, सब्सक्रिप्शन नॉट येट रिसीव्ड 16,500, सब्सक्रिप्शन रिसीव, क्या बोल रहे बेटा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव जो एंड में आता है 16,000 ही तो है, 1600 × 10 = 16,000, ठीक है, ओके। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है मेरे पास 1000 rupees, उसके बाद सब्सक्रिप्शन नॉट येट रिसीव्ड एट द एंड शायद मेरे पास 1450 rupees आया था, याद है ना पिछली वाली क्लास में ये सब कुछ बताया था दोस्तों मैंने आपको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द सब्सक्रिप्शन नॉट येट रिसीव्ड मेरे पास है 1450 rupees, और सब्सक्रिप्शन नॉट गेट रिसीव एट द बिगनिंग का मेरे पास 950, वो स्टिल के कारण, ठीक है जी, ये सारी चीजें थी। उसके बाद एंड में अगर सबसे ऊपर सब्सक्रिप्शन रिसीव था 16,500 और एंड में था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना था 16,000 rupees, तो वो वाले 16,000 rupees मैंने यहाँ पर डाल दिए। इज दिस क्लियर, पक्का, लास्ट क्लास से कनेक्शन बनाइए दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। सब्सक्रिप्शन हो गया है, सेल ऑफ स्क्रैप, ये राज साहब यहां पर आ जाएगा, सेल ऑफ स्क्रैप हमारे पास है सिर्फ 200 rupees,
सेल ऑफ स्क्रैप मतलब ऐसे कोई कूड़ा वूड़ा पड़ा हुआ था, मतलब वही जो कबाड़ वगैरह पड़ा हुआ था मेरे पास, वो मैंने बेच दिया और 200 रुपए मुझे मिल गए, वो मेरी इनकम है। अगला है मेरे पास इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। नाउ यू नीड टू आंसर मी, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ये मेरी इनकम है या फंड में जाएगा? जल्दी बताइए, इनकम या फंड, जल्दी बताओ दोस्तों, इनकम या फंड। सिर्फ एक बच्चे का जवाब आया, वो दो बच्चों का जवाब, तीन चार बच्चे जवाब दे रहे हैं बस। ओके कुछ एक बच्चे हो, रफ्तार पकड़ ली बच्चों ने तो। ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, यस फंड में जाएगा। ठीक है, तो मतलब परफेक्ट परफेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्पोर्ट्स फंड। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग, सुनो मेरी बात, मैं शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहा हूँ, आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, मेरे पास जगह बहुत कम है। स्पोर्ट्स फंड में हम लोग ऐड कर देंगे इंटरेस्ट, और कितना इंटरेस्ट मिला है मुझे, 2,000 रुपए का इंटरेस्ट मुझे मिला है। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स फंड लिखा है, स्पोर्ट्स फंड में हम लोगों ने इंटरेस्ट को ऐड कर दिया है दोस्तों। अगला मेरे पास एफिलिएशन फीस, एफिलिएशन फीस जो है वो है मेरे पास 1,000 रुपए। कई बच्चों को दिक्कत हो रही होगी कि यार ये एफिलिएशन फीस क्या होता है। मान लेते हैं कि दोस्तों मैं एक स्कूल स्टार्ट करता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर दो तीन बच्चों के हैंड हैंड रेज हुए हैं, अगर आपको कुछ पूछना है दोस्तों तो मुझे आप टाइप करके पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा एफिलिएशन फीस क्या होता है, वो पहले सुन लीजिए। मान लेते हैं मैंने एक स्कूल स्टार्ट कर लिया और मुझे सीबीएसई से एफिलिएशन लेनी, तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर मुझे सीबीएसई से एफिलिएशन लेनी है तो सीबीएसई मुझे फ्री में सीबीएसई का सर्टिफिकेट दे देगी? नहीं, तो वो मुझसे एफिलिएशन फीस मांगेगी, दैट इज एफिलिएशन फीस दोस्तों। ठीक है जी, तो एफिलिएशन मेरा खर्चा है 1,000 रुपए का। अगला मुझे दे रखा है फर्नीचर 3,000 रुपए, साल की शुरुआत में भी मेरे पास फर्नीचर है, तो यहाँ पर मैं फर्नीचर भी इस बार बुक्स की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, मतलब फर्नीचर दे रखा है प्लस साथ में मैंने परचेज कर रखा है 3,000। दिस क्लियर? तो लॉजिक क्लियर है, तो फर्नीचर ओपनिंग फर्नीचर जो भी है उसमें मैं प्लस करूंगा फर्नीचर परचेजेस, माइनस कर दूंगा अगर मैंने कुछ सेल करा है, माइनस कर दूंगा अगर कोई डेप्रिसिएशन है, फिर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। फर्नीचर भी लिख दिया है। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 2,500। एक बात बताइए, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस जैसे आपके दिमाग में स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस आया, ये एक्सपेंस में जाएगा या फंड में से माइनस होगा? अब तो मैंने बता दिया है तो फंड में से ही माइनस होगा, लेकिन आपके दिमाग में भी दोस्तों ये वाला पॉइंट आना चाहिए था। ठीक है कि यार ये तो फंड में से माइनस होगा, मतलब ऑन द स्पॉट अगर इस क्वेश्चन में फंड है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार हाँ भैया फंड है इस क्वेश्चन में, तो माइनस एक्सपेंस जो भी फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस है 2,500 रुपए आप लोगों ने यहाँ पर माइनस कर दिए हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जो आपको पकड़नी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, हल्की फुल्की चीजें हैं जो आपको पकड़नी है। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास है सन्ड्री एक्सपेंसेस 15,200। सन्ड्री एक्सपेंसेस में मेरे पास 15,200 रुपए। अगला है मेरे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस 14,000 रुपए। कैश है मेरे पास 14,000 रुपए का। आई एम डन विद इट, दैट्स इट। क्लब के पास 1,600 मेंबर है, ये सब पॉइंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिए थे, लाइफ मेंबरशिप वाला हो गया है। क्लब के पास साल की शुरुआत, अब सारे एडजस्टमेंट दो जगह। ठीक है, क्लब के पास फर्नीचर है 2,000 रुपए, तो मेरे पास फर्नीचर है 2,000 का, एक बार मैंने यहाँ पर डाल दिया और एक बार 2,000 ऊपर की साइड मैंने डाल दिया। उसके बाद स्पोर्ट्स फंड एंड 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, दोनों के दोनों है 30,000। बहुत आसान दोस्तों, एक बार, अच्छा एक काम करो, एक काम करो, ये मैं आपको मौका दे रहा हूं, ये सब मैंने कर लिया है, स्पोर्ट्स फंड और 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, कहां कहां कैसे कैसे पोस्ट करोगे मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकेंड्स। जल्दी जहां जहां डाल सकते हो वहां वहां डाल, जल्दी दोस्तों, जल्दी से। और जो बच्चा भी शांत बैठा हुआ नलायक, कोई कुछ कर नहीं रहा दोस्तों, देख लो जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर, जल्दी से करिए, तो जल्दी से। जल्दी दोस्तों, जल्दी से। स्पोर्ट्स फंड दो जगह डालना है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दो जगह डालना है, डाल दिया। ओके फाइन, देख लीजिए जरा, स्पोर्ट्स फंड एक बार आ गया यहाँ पर 30,000, स्पोर्ट्स फंड एक बार
ओपनिंग के लाइबिलिटीज में आ गया है, और ये जो आपने जगह छोड़ रखी थी यहाँ पर स्पोर्ट्स फंड की, एक बार यहाँ पर आ गया है। लो जी, दो जगह डाल दिया आपने स्पोर्ट्स फंड, ठीक है। और स्पोर्ट्स फंड जो इन्वेस्टमेंट है आपका 30,000 का, एक बार 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट एक बार यहाँ पर चला गया, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 30,000 का, लो जी एक बार यहाँ पर चला, ठीक है जी। तो स्पोर्ट्स फंड एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट, एक बार क्लोजिंग बैलेंस शीट, और स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है जी। मैं मानता हूँ आप सभी ठीक थे, और जो ठीक नहीं था कोई बात नहीं, अब ठीक हो गया होगा। अच्छा जी, अब एक बात समझिए जरा, 10% आते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए थी, बजी कि नहीं बजी? बजनी चाहिए भाई। मतलब क्या, 30,000 का 10% पूरे साल के लिए, इसका मतलब कितना, 3,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखें कि मुझे इंटरेस्ट कितने का मिला है, सिर्फ 2,000 का इंटरेस्ट मिला है, मतलब 1,000 का एक्रूड इंटरेस्ट है, तो हम लोग इसे ऐड कर देंगे, एक्रूड इंटरेस्ट 1,000 एंड एक्रूड इंटरेस्ट 1,000। दोस्तों, फंड बेस्ड अकाउंटिंग वाली क्लास में बहुत गहराई से ये सारी सारी बातें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। YouTube पे वाली ट्यूटोरियल है, अगर भूल गए हो ये वाला पॉइंट तो एक बार जरा देख लेना, तीसरे क्लास में शायद मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया था। इज दिस क्लियर? फिर से एक बार बता देता हूँ, 30,000 का 10% होता है 3,000, इसका मतलब इंटरेस्ट आपको कितना मिलना चाहिए था 3,000 का, लेकिन आपको असल में इंटरेस्ट कितना मिला है 2,000 रुपीज का। तो 3,000 में से 2,000 मिल गया, इसका मतलब एक्रूड कितना है 1,000, एक बार फंड में ऐड होगा और एक बार एसेट साइड में जाएगा। इज दिस क्लियर दोस्त? ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। बस यही वाला एक पॉइंट था जिसके लिए मैंने वाला क्वेश्चन उठाया है आप लोगों का, नहीं तो इस वाले क्वेश्चन में और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। पक्का श्योर? आगे आगे चल रहा हूँ, ठीक है जी। चले मतलब चले, ठीक है, सही होगा। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 20%, 20% डेप्रिसिएशन लगाने को बोल रहा है वो, तो 3 और 2 5,000, 5,000 का 20% 1,000, तो माइनस डेप्रिसिएशन आ जाएगा यहाँ पर 1,000 रुपए, और यहाँ पर आ गया डेप्रिसिएशन 1,000, ठीक है जी। ये तो पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर खाली है, ठीक है जी। तो दैट्स इट, ये सारे के सारे पॉइंट्स हो गए हैं, नाउ यू नो व्हाट टू डू, ठीक है। सबसे पहली बात, कैलकुलेट द कैपिटल फंड, ये वाला जो अमाउंट आएगा कैपिटल फंड यहाँ पर चला जाएगा, मेरे हिसाब से सरप्लस या डेफिसिट, डेफिसिट आएगा क्योंकि 15-16-17 हजार डेफिसिट आएगा, उस डेफिसिट को आप माइनस कर दीजिएगा एंड यू विल गेट योर आंसर। इज दिस क्लियर दोस्तों? तो सारी सारी चीजें आसान हैं, लेकिन हाँ, अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ रखा है तो, अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है। आपको कोई बच्चा है जो कह रहा है यार ये जो इंटरेस्ट वाला पॉइंट है, स्पोर्ट्स फंड वाला पॉइंट है, एक बार जरा बता दे। अगर कोई एक भी बच्चा बोले आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, एक बच्चे ने हाथ उठा लिया है, ठीक है जी। दो तीन तीन चार, बस 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 बस, अरे बस नीचे कर लो, नीचे कर लो, नलायको नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो, मैं बताने चाहता हूँ, ठीक है। स्पोर्ट्स फंड मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से, ठीक है जी। इसके अलावा बाकी पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके सामने स्पोर्ट्स फंड एक बार दोबारा रखने जा रहा हूँ, ठीक है। शिवम रॉय आपने हाथ उठा रखा है बेटा, मैं स्पोर्ट्स फंड दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। 7-8 बच्चों ने मालूम खाया था, कोई बात नहीं, मैं एक बार और स्पोर्ट्स फंड आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से बताता हूँ मैं जरा आपको। एक है मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट, एक है मेरे पास ओपनिंग बैलेंस शीट। सिर्फ सारी दुनिया के सारे टेंशन को छोड़ दो और सिर्फ स्पोर्ट्स फंड के बारे में ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहला स्पोर्ट्स फंड आपको कहाँ दिख रहा है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के रिसीट साइड में मुझे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा ठीक, तो स्पोर्ट्स फंड में मैं ऐड कर दूंगा इंटरेस्ट 2,000। भाई ये कॉन्सेप्ट तो हमने सीखा था फंड बेस्ड अकाउंटिंग में कि इस फंड से रिलेटेड सारे इनकम हम लोग फंड में ऐड कर, तो यहां पर आ गया 2,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं क्वेश्चन को और अगर आगे लेके चलूं तो पेमेंट साइड में मैंने खर्चा किया है 2,500 रुपए का, तो माइनस एक्सपेंसेस 2,500। एक बार ऊपर वाली चीजें जो है, जो भी हमारे पास जो ऊपर वाली चीजें जो है रिसीट्स एंड पेमेंट्स की जो चीजें होती है वो हम एक एक जगह डालते हैं, और नीचे वाली जो एडजस्टमेंट की चीजें होती है वो हम दो दो जगह डालते हैं, ठीक है। तो अभी तक इंटरेस्ट को मैंने एक जगह डाल दिया, मैंने 2,500 के खर्चे को मैंने एक जगह डाल दिया, ठीक है।
उसके पास स्पोर्ट्स फंड मुझे दिखता है एकदम नीचे कि क्लब के पास साल की शुरुआत में स्पोर्ट्स फंड है और स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है 30,000 ईच। तो एक बार साल की शुरुआत में 30,000 का स्पोर्ट्स फंड और वो भैया साल की अंत में भी होगा। मतलब आप देखो ना कि साल की शुरुआत में है ओपनिंग फंड में, हमेशा हम रिसीट्स को ऐड करते हैं और एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, यहाँ पर डाल दिया है। और बिल्कुल ऐसा ही 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट एक बार चला गया 30,000, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट एक बार चला गया 30,000। तो अब सारी सारी चीजें दो जगह जा रही हैं, एक बार यहाँ पर चला गया और एक बार यहाँ पर चला गया, चलो ठीक है। और जैसे ही 10% आया दिमाग में टन करके घंटी बजनी चाहिए, याद है ना, बजती है। हाँ, तो 30,000 का 10% पूरे साल के लिए कितना होता है? 3,000। मुझे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था? 3,000, लेकिन मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 2,000। इसका मतलब 1,000 का एक्रूड इंटरेस्ट है, तो हम लोग ऐड कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट 1,000, और इसकी पोस्टिंग दो जगह होती है, दूसरी जगह एक्रूड इंटरेस्ट 1,000। जो एडजस्टमेंट है, जो पोस्टिंग है, सब कुछ होगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में साल के अंत में। दोस्तों इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर दोस्तों? तो सारे पॉइंट्स, रिसीट्स एंड पेमेंट्स की सारी चीजें एक एक जगह, और इनकम एंड एक्सपेंड और एडजस्टमेंट्स की सारी चीजें दो दो जगह हम लोग डालेंगे। सारा का सारा पॉइंट ये रहा दोस्तों आपके सामने। अगर आपको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हैं, समझ गए हो तो बेटे बहुत अच्छी बात है। इस दिस क्लियर? इस बार तो मैं मानता हूं कि क्लियर हो ही गया होगा। और एक बार जिसको भी, जो भी 100% फील नहीं कर रहा है अभी, जो भी बच्चा ऐसा कर रहा है कि यार पता नहीं चीजें, स्पोर्ट्स फंड एक्सपेंस कहाँ गया, ये रहा बेटा स्पोर्ट्स फंड एक्सपेंस फंड में से माइनस हो गया। Somebody asked कि स्पोर्ट्स फंड एक्सपेंस कहाँ गया, ये रहा कि सारे के सारे फंड में से सारे के सारे खर्चे माइनस हो जाते, याद है ना, टूर्नामेंट फंड में से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस हो जाते थे, बिल्कुल ऐसे ही स्पोर्ट्स फंड में से स्पोर्ट्स फंड के सारे एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, जो भी बच्चा इस टॉपिक को लेकर 100% फील नहीं कर रहा दोस्तों, यू हैव टू डू द क्वेश्चन एंड देन यू विल डेफिनेटली फील दिस 100%। पहली बार है ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप समझ रहे हैं, शायद आपके स्कूल में भी एनपीओ हो रखा होगा और हो चुका होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन गहरा क्वेश्चन है दोस्तों, गहरा क्वेश्चन, दिस इज डीप। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि ये सारी सारी चीजें क्वेश्चन नंबर 50 तक आपको समझ आ चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद 51st क्वेश्चन में भी एक टेढ़ा पॉइंट है, वो जरा लाइफ मेंबरशिप फीस। बेटा जी वैसे तो चलिए बता देता हूँ, जरा लाइफ मेंबरशिप फीस जो है उसको आप लोग कैपिटल फंड में वैसे तो ऐड करते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, लाइफ मेंबरशिप फीस को वैसे तो आप क्लोजिंग में कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि कैपिटल रिजर्व में डालो, तो इसलिए इस बार हम लोगों ने यहाँ पर ना डाल के कैपिटल फंड में ना डालकर कैपिटल रिजर्व करके एक अलग कॉलम खोला है, उसमें हम लोग लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस और सारा सारा अमाउंट डाल देंगे, तो कैपिटल रिजर्व क्लोजिंग के लाइबिलिटीज में चला जाएगा। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ थिंग्स आर टू बी ट्रीटेड। ठीक है, चलिए जी बढ़े आगे, चलो जी आगे बढ़ते हैं जरा, बहुत बढ़िया दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। आई बिलीव ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है, यकीन मानिए हो जाएगा, बहुत आराम, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 51 में मुझे आप लोगों के साथ एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट मुझे आप, अच्छा अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 51 प्लीज एवरीवन प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 51, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो मुझे जवाब देना। ठीक है, ओके फाइन, क्लियर। चलिए क्वेश्चन 51 छोड़ो, पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ, बताना कहाँ जाएगा ये, एवरीवन प्लीज। ठीक है, एवरीवन नहीं, नॉट एवरीवन, ओनली बॉयज विल टेल। ठीक है, जो भी लड़का है वो बताएगा मुझे। डोनेशन, अगर सिर्फ दे रखा हो डोनेशन, क्या है वो, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम, डोनेशन, सिर्फ डोनेशन, सिर्फ लड़के से पूछ रहा हूं मैं, लड़कों से। ओके 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 गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, लड़कों से पूछ रहा हूँ फिलहाल, मुझे पता है लड़कियां तो नाम रोशन कर ही देती हैं मेरा, लड़कों से पूछ रहा हूँ मैं बस। अगर दे रखा डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, जल्दी बताइए। ओके ऋषियंत, गुड बॉय, बहुत जल्दी जवाब दे दिया, परफेक्ट, बाकी सब 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। जो भी लड़का जवाब दे रहा है मतलब अच्छी बात है, जो नहीं दे रहा बेटे पता नहीं क्यों नहीं दे रहा। ठीक है जी, गुड परफेक्ट। ठीक है, ओके, अब नाउ आई वांट, चलो आई वांट बॉयज टू आंसर, ये भी अभी लड़के ही जवाब देंगे। ठीक है जी, अगर मुझे दे रखा है प्रोसीड्स ऑफ
ड्रामा, प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा, हम लोग एक ड्रामा ऑर्गेनाइज करा, उससे हमें कुछ, हम लोगों ने टिकट्स वगैरह बेचे, प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा, इनकम की लाइबिलिटी, जल्दी प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा। ओके गुड गुड, लड़के कह रहे हैं इनकम, ठीक है। नाउ आई वॉन्ट गर्ल्स टू प्लीज आंसर, प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा, इनकम की लाइबिलिटी, लड़कियों इनकम की लाइबिलिटी, प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा। ओके कमी दिख रहा है, इनकम इनकम इनकम, आई या एल, इनकम या लाइबिलिटी। ओके परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही है सही है, सबका सही, परफेक्ट। आप लोग कंफ्यूजन समझ रहे हैं, पता है बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर एक बात बताओ, डोनेशन कुछ मेंशनड नहीं है, ध्यान से समझना बच्चे क्या सोचते हैं, सर डोनेशन कुछ मेंशनड नहीं है तो वो हमारी इनकम, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट मेंशनड है तो वो लाइबिलिटी, तो प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा जो है ये तो मेंशनड है ना, तो ये लाइबिलिटी होनी चाहिए। बच्चे कुछ ऐसा लॉजिक देते हैं, मतलब मुझे लगा कि पता नहीं ऑनलाइन मैं आपको कैसे बता पाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने खुद जवाब दे दिया इसका, परफेक्ट आंसर है दोस्तों, प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा जो है वो हमारी क्या है, वो हमारी लाइबिलिटी, इज दिस क्लियर, वो हम, वो सॉरी 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 सॉरी, वो हमारे इनकम है, इज दिस क्लियर। तो अच्छा अब एक बात करूं, मुझे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट मुझे दे रखा है, और यहाँ पर ये रिसीट साइड है और ये पेमेंट साइड, राइट, मुझे दे रखा है प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा लेट्स से 100 रुपए, और मुझे दे रखे हैं ड्रामा एक्सपेंसेस लेट्स से 60, ठीक है। तो इसे मैं शो कैसे करूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोस्तों ध्यान से देखिए, देखो इसको शो करने के दो तरीके, सबसे पहली बात प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा हमारी इनकम है, तो प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा 100 रुपए और ड्रामा एक्सपेंसेस 60 रुपए, कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन दोस्तों इससे भी एक बेटर प्रेजेंटेशन, आप इसको ऐसे ना शो करिए, माइनस ड्रामा एक्सपेंसेस 60 रुपए और बचे कितने 40, आप ये ना शो करके आप ये शो करिएगा, ये एक बेटर प्रेजेंटेशन। देखिए मैथमेटिक्स अगर आप लगाओ तो आंसर सेम आएगा, चाहे यहाँ पर 100 हो यहाँ पर 60, तब भी 40 बचा है, और 100 में से 60 माइनस करोगे तो भी 40 बचा है। तो मैथ्स के ऊपर नहीं जा रहा मैं, LHS इक्वल टू RHS सर हो तो रहा है, मैं इन सब चीजों के ऊपर नहीं जा रहा, मैं आप लोगों के सामने से प्रेजेंटेशन के ऊपर जा रहा हूं। अगर आप 100 60 लिखते हो गलत नहीं है वो, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग 100 स्कोर कर रहे हैं तो एग्जामिनर आपका इस पॉइंट में एक नंबर काट देगा, और वो इसलिए काटेगा क्योंकि मतलब जब बच्चा अच्छा स्कोर करता है तो वो एग्जामिनर ये ढूंढता है कि यार कहाँ कहाँ से बच्चे के नंबर काटे जा सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जहां पर वो आपके नंबर काट सकता है, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, हम लोग अपने एग्जामिनर को 1% की भी टेंशन क्यों दे, क्यों दे फालतू में, वो भी तो बेचारा अच्छा इंसान है और हमें उससे नंबर भी चाहिए तो वो तो और अच्छा इंसान है। भैया मेरे और तुम्हारे स्कूल के टीचर से ज्यादा अच्छा इंसान जो है वो तुम्हारा चेकर है जो तुम्हें अच्छे नंबर देने वाला है, ठीक है, तो उसके हिसाब से सोच, ठीक है जी। और ये प्रेजेंटेशन इज फार बेटर बिकॉज यहाँ पर आप साफ साफ दिखा रहे हो कि यार ड्रामा से मुझे कितनी इनकम हो रही है, मुझे 40 रुपए की इनकम, ठीक है जी। और मैचिंग कॉन्सेप्ट भी तो बचपन में यही बोलता था कि स्पेसिफिक इनकम में से स्पेसिफिक एक्सपेंसेस को हमेशा माइनस करके शो करना चाहिए, बोलता था नहीं बोलता था, तो ये सब चीज। अच्छा एक बार मैंने बच्चे को ऐसे बताया और एक नालायक बच्चे ने पता क्या क्या करा, यहाँ पर लिखा हुआ था सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर लेट से 50 रुपए और खर्चों में दे रखा था न्यूज़पेपर लेट से 200। उस नालायक ने क्या करा, न्यूज़पेपर में से मतलब यहाँ पर 200 में से 50 रुपए माइनस कर दिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ क्या 200 में से ये 50 रुपए, ये प्रेजेंटेशन सही है कि गलत है, इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, सी और आई, करेक्ट है इनकरेक्ट है, मैं न्यूज़पेपर में से इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, सी या आई। अच्छा आई आई दिख रहा है, एक बीच में एस डाल दिया बच्चे ने, एस क्यों डाला भाई, एस का क्या लॉजिक है, ठीक है आई इनकरेक्ट परफेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट यार, दिस इज इनकरेक्ट परफेक्ट, हाँ इनकरेक्ट है, मतलब इसके बीच में कनेक्शन है लेकिन इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। बच्चा कह रहा है सर एक बात बताओ मैं कनेक्शन बनाता हूँ, हम लोग जो न्यूज़पेपर खरीदते हैं उसको जब बेचेंगे तभी तो, लेकिन बेटे आप कभी मतलब आप समझ रहे हो ना क्या इलॉजिकल पॉइंट होगा, ठीक है जी, तो हम ये नहीं करेंगे, इज दिस क्लियर, तब का परफेक्ट। अच्छा जी क्वेश्चन में थोड़े से क्योंकि गंदगी ज्यादा हो चुकी है तो मैं अनाप शनाप वो बता देता हूँ फिलहाल, और मैं आपके सामने फिर से स्वच्छता के साथ एक पॉइंट रखता हूँ, प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा लेट से 100 रुपए दे रखा है और आपको ड्रामा एक्सपेंसेस दे रखे हैं 120 रुपए। ओ भाई इस बार तो ये लॉस हो गया, तो इसको पता है कैसे शो करेंगे, तो ड्रामा
ड्रामा एक्सपेंसेस 120 रुपए माइनस प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा 100 रुपए, और हमारे पास कितने बच गए? 20 रुपए बच गए। मतलब क्योंकि आप देख रहे हो हमारे पास इस बार नुकसान हुआ है ड्रामा के कारण, तो इसको हम लोग ऐसे शो करें। इज दिस क्लियर? देखिए दोस्तों, अगर आप लोग 120 या 100 यहाँ पर शो करते हैं, आपका सरप्लस या डेफिसिट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इतनी मैथ्स आप सभी को पता है और आप लोग समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंटेशन राइट नाउ। ठीक है जी? तो जो स्पेसिफिक इनकम, जो स्पेसिफिक एक्सपेंसेस हैं, उनको हम लोग सेट ऑफ करके दिखाएंगे दोस्तों। इज दिस क्लियर? तो ये वाला पॉइंट जो है अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है? मस्त पॉइंट है वाला। चलिए जी, तो आइए जरा मैं आपको, हालांकि ये पॉइंट नहीं बताना था मुझे, तो आपको किसी कोई और पॉइंट बताना था, लेकिन बस चलिए ये वाला पॉइंट मुझे दिख गया तो मैंने आप लोगों से पूछ। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, याद रख लेना इन सब सारे पॉइंट्स को, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट्स है वो रिलेटेड है। दोस्तों खर्चे दो टाइप के होते हैं, और ध्यान से समझ, खर्चे दो टाइप के होते हैं। एक खर्चा होता है जो आप करते हो, और एक खर्चा होता है जो आपको करना पड़ता है। ध्यान से समझिएगा, एक खर्चा होता है जो आप करते हो, और एक खर्चा होता है जो आपको करना पड़ता है। ठीक है जी? एक जो आप करते हो और एक करना पड़ता है। ठीक है? एक जो आप करते हो, एक जो आपको करना पड़ता है। ठीक है जी? आप एनपीओ या किसी भी बिजनेस के हिसाब से सोच लो। ठीक है जी? रेंट आप सोचिए, करते हो या आपको करना पड़ता है, सोच के देखिए दोस्तों। रेंट करते हो या करना पड़ता है, कंपल्सरी। हाँ मतलब एग्जैक्टली कि चलो अभी अच्छा ठीक है ठीक है, एक मिनट बहुत सारा है दोस्तों। ये आप करते, ठीक है जी, ये आप करते हो, आप अपनी इच्छा से, आप अपने, मैं एक्सप्लेन करता हूँ जरा, ये बहुत जरा कंफ्यूजन हो जाएगी तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। अगर आप एक बिजनेस, ठीक है बेटा एक मिनट रुक जाओ, अरे नलायक को देख देख लो, ये आप करते, ठीक है जी, देखिए ये आप अपने इच्छा से करके, ये आप कर, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ जरा, म्यूनिसिपैलिटी टैक्सेस की बात करते हैं। क्या आपकी, आप अपने मर्जी से म्यूनिसिपैलिटी टैक्सेस पे करते हो, या आपके ऊपर वो चीज थोपी जाती है, आपके ऊपर वो चीज थोपी जाती है, राइट? ध्यान से समझिएगा, म्यूनिसिपैलिटी टैक्सेस की बात करता हूँ मैं। आप अपने मर्जी से करते हो या आपके ऊपर वो चीज थोपी जाती है? दोस्तों आपके ऊपर वो चीज थोपी जाती है। रेंट कभी भी आपके ऊपर थोपा नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रीमियर में हमारे पास 7 या 8 हमारे पास प्रेमाइसिस है, अपनी शॉप्स है हमारी, जहां पर हम लोग क्लासेस कंडक्ट करते हैं। तो मेरी मर्जी है कि मैं अगर किसी एक प्रॉपर्टी को लूं तो मुझे उसका रेंट पे करना है। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं ले रखी तो मुझे उसका रेंट पे नहीं करना। लेकिन अगर मैं म्यूनिसिपैलिटी टैक्सेस की बात करूं तो क्या यह मेरे ऊपर है कि मैं पे करूं या ना करूं? ऐसा नहीं होता, मुझे पे करना ही करना पड़ता है। इज दिस क्लियर? तो ये वाला पॉइंट आप लोग समझिए, म्यूनिसिपैलिटी टैक्सेस एक लौता ऐसा खर्चा होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है और आपको वो करना पड़ता है। म्यूनिसिपैलिटी टैक्सेस आपको करना पड़ता है। इज दिस क्लियर? अब एक पॉइंट समझिएगा बहुत ध्यान से, मतलब एक और एग्जांपल देता हूं। आपका हाउस टैक्स जाता है, आप बच्चों को शायद कईयों को पता भी नहीं होगा, लेकिन आप लोगों का हाउस टैक्स जाता है। तो हाउस टैक्स क्या आप अपने मर्जी से करते हो या आपको करना पड़ता है? आपको करना पड़ता है, ये बात समझ, आपको करना पड़ता है वो, क्योंकि अगर आपका एक एरिया में घर है तो आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर घर में व्हाइट वॉश की बात करें तो वो आप करते हो या आपको करना पड़ता है? वो आप करते हो, क्योंकि वो आप अपने मर्जी से करते हो। Is this clear? पक्का? तो taxes, municipality taxes, house taxes, लौटे ऐसे point होते हैं जो आप, जो आपका मन नहीं करता लेकिन आपको फिर भी करना पड़ता है। Is this clear? अब एक बात समझिएगा जरा, जो मैं आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा, और ये वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी टैक्सेस के साथ ही एसोसिएटेड है। ध्यान से समझ, ठीक है? और किसी को भी दिक्कत आए मुझे आप ऑन द स्पॉट रोक देना, हैंड्स अप कर देना, मैं आपको ये चीज दोबारा बता दूंगा। लेकिन एक बार मैंने कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये साल की शुरुआत है, ये साल का अंत है, ये जनवरी है और ये दिसंबर, ठीक है? एक बात बताइए, मान लेते मैंने म्यूनिसिपैलिटी टैक्सेस पे करे हैं 40 रुपए, और मेरा म्यूनिसिपैलिटी टैक्स जो है वो एक्सटेंड होता है 31/3 तक। लेट से ये जो मेरा मेन साल है 2020,
ठीक है, तो मेरा म्यूनिसिपैलिटी टैक्सेस मैंने 31/3/2021 तक पे कर रखा है। आपको पता होना चाहिए इंश्योरेंस, म्यूनिसिपैलिटी टैक्सेस, ये सारे के सारे खर्चे जो है वो एक साल से बिलोंग करते हैं। तो अगर मैंने 31/3 तक का पे कर रखा है, इसका मतलब मैंने इसे पे कब किया होगा, 1/4/2023। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत है तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो कोई कमेंट वगैरह कोई कुछ मत करना, कोई रिप्लाई कुछ मत करना, अगर कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। ठीक है, साल जनवरी दिसंबर 2020 मेन साल है, खर्चा मैंने करा है 31/3/2021 तक का। तो पॉइंट ये है कि मैंने इस खर्चे को कब किया होगा, 1/4/2021। ओके, किसी का भी हाथ नहीं उठा, इसका मतलब सबको क्लियर है। दोस्तों एक बात बताइए, मैंने इस टाइम पीरियड कितना खर्चा पे किया है, 40 रुपए पे करे हैं। इस टाइम पीरियड के मैंने कितने रुपए खर्च किए हैं, 40 रुपए पे करे हैं। क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला पार्ट इज प्रीपेड एट द एंड? हाँ के ना, ये वाला पार्ट इज प्रीपेड एट द एंड, यस और नो बताइए साहब, यस और नो। और अगर आप लोग यस या नो आंसर कर रहे हैं तो ये भी बताइए कि प्रीपेड एट द एंड कितना अमाउंट है, जल्दी बताइए प्रीपेड एट द एंड कितना अमाउंट है, जल्दी से प्रीपेड एट द एंड कितना अमाउंट है, व्हाट इज प्रीपेड एट द एंड। ओके, एक बच्चे का आंसर आया है बस अभी तक, दो बच्चों का आया है बस, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं। ओके, अब धड़धड़ करके जवाब आ रहा, परफेक्ट आंसर, गुड गुड गुड, शाबाश 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 शाबाश, 10 रुपए प्रीपेड एट द एंड कितना हुआ, 10 रुपए। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताओ मुझे, ये तो दे रखा है परफेक्ट 10 रुपए, प्रीपेड एट द एंड कितना हुआ, 10 रुपए। तो एक बात बताइए, मैं अगर अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करूं तो म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस यहां पर मैंने 40 रुपए डाले होंगे और प्रीपेड एट द एंड माइनस होता है, माइनस करूंगा मैं प्रीपेड एट द एंड कितना, 10 रुपए, एक बार यहां पर चला गया। और एक बार आपको पता है प्रीपेड एट द एंड है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में भी जाएगा, सब कुछ परफेक्ट है। एक बात बताइए, जो भी चीज यहां पर हुई है क्या वो साल की शुरुआत में भी हुई होगी कि नहीं, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस ऐसे खर्चे होते हैं जो मुझे करना पड़ता है। अगर मैंने इस साल म्युनिसिपैलिटी टैक्स पे करा है तो पिछले साल भी मैंने ऐसे ही म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस को पे किया होगा और यही प्रॉब्लम पिछले साल भी आई होगी। हाँ के ना दोस्तों, सोच के देखिए, हाँ के ना सोच के देखिए जरा, यस। तो ये प्रीपेड एट द बिगिनिंग भी कितना होगा, 10 रुपए ही होगा। इज दिस क्लियर? आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हो, सुनो, अरे एक मिनट सुन तो लो, ये है मेरा ईयर 2020, राइट? तो 2021 मेरा ये वाला साल होगा। देखो प्रीपेड एट द एंड तो ये 2020 का है, तो 2021 के लिए यही 10 रुपए प्रीपेड एट द बिगिनिंग होंगे। हाँ, तो ऐसे ही पिछले साल का भी तो प्रीपेड एट द एंड होगा जो इस साल का प्रीपेड एट द बिगिनिंग होगा 10 रुपए। तो प्रीपेड एट द बिगिनिंग को हम लोग ऐड कर देंगे 10 रुपए। इज दिस क्लियर? तो एक बार 10 रुपए माइनस, एक बार 10 रुपए प्लस, एक बार प्रीपेड एट द एंड कहाँ जाएगा, क्लोजिंग के एसेट्स में, और प्रीपेड एट द बिगिनिंग कहाँ जाएगा, ओपनिंग के एसेट्स। इज दिस क्लियर? ये वाला सर एक बार रिपीट कर दो, 10 रुपए वाला एक बार सुन लीजिए दोस्त, एवरीवन ध्यान से देखिए, ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस का ही पॉइंट है और इसको आप ध्यान से समझिए। जनवरी टू दिसंबर का मेरा साल है और मैंने पे कर रखा है 31/3/2021 तक, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने इसे पे किया होगा 1/4/2020 से। और मैंने कितना पे कर रखा है इस टाइम पीरियड का, 40 रुपए। तो ये प्रीपेड एट द एंड हुआ 10 रुपए, ये तो सभी को पता है भाई। तो इसको अगर मैं अकाउंट्स में शो करूंगा तो कैसे शो करूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ऐसे शो होता है। म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस कितने हो गए, 40 रुपए, प्रीपेड एट द एंड कितना है, 10 रुपए, तो मैं माइनस कर दूंगा प्रीपेड एट द एंड, एक बार यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर क्या लिखूंगा क्लोजिंग में, प्रीपेड म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस 10 रुपए। जो भी साल के अंत में जो ड्रामा हुआ है, क्या सेम ड्रामा पिछले साल भी हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा। तो ऑब्वियस है दिस इज प्रीपेड एट द बिगिनिंग 10 रुपए, तो इसको आप प्लस कर देंगे, प्रीपेड एट द बिगिनिंग 10 रुपए, प्रीपेड म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस
₹10। इज दिस क्लियर दोस्त? ठीक है, मैं मानता हूं ये सारे ऊपर 450 हो गए, पता भी नहीं चला आज। ठीक है जी, इज दिस क्लियर दोस्तों? मैं मानता हूं ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, आ चुकी होंगी। इज दिस क्लियर? ये आपके पास म्यूनिसिपैलिटी टैक्सेस का पॉइंट है जो क्वेश्चन नंबर 51 में भी दे रखा है, म्यूनिसिपैलिटी टैक्स। इज दिस क्लियर? एक बार आइए क्वेश्चन नंबर 51 जरा डिस्कस कर लेते हैं, जरा एवरीवन प्लीज जरा ध्यान से। जो सिर्फ एडजस्टमेंट्स देखेंगे, क्लब के पास 500 मेंबर है, हर मेंबर आपको ₹5 दे रहा है, ₹50 आर स्टिल इन एरियर्स, यहाँ पर भी स्टिल वाला कॉन्सेप्ट है। म्यूनिसिपैलिटी टैक्सेस 400 हैज बीन पेड अप टू 31st मार्च 2014, इसका मतलब वही प्रीपेड एट द एंड है, तो प्रीपेड एट द बिगिनिंग भी ऑब्वियसली होगा। अगला मुझे दे रखा है ₹50 आर आउटस्टैंडिंग ऑफ सैलरी, दिस इज आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड। उसका दे रखा है बिल्डिंग ₹5,000 की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट दोनों में आ जाए। नीचे दे रखा है 6% इंटरेस्ट हैज accrued ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 months, तो इन्वेस्टमेंट मुझे ऊपर दे रखा है 2000 का, तो 2000 का 6% 5 महीने के लिए accrued इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब अब ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट बता रहा हूं, तो एक बार यहां पर आ जाएगा मेरे पास इन्वेस्टमेंट ₹2000 का, इन्वेस्टमेंट आ गया मेरे पास ₹2000 का। अब इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों? 2000 का 6% 5 months के लिए, ठीक है? 2000 का 6% 5 months के लिए, जितना भी लेट से x अमाउंट आ रहा है, x हमने डाल दिया और वही हो जाएगा accrued interest x। इज दिस क्लियर? पक्का? और यहाँ पर मुझे कोई इनकम वगैरह भी नहीं दे रखी थी, तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इज दिस क्लियर? तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50 का तो जो स्पोर्ट्स फंड वाला पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया, और क्वेश्चन नंबर 51 भी मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। ठीक है जी, इसी के साथ आप लोग क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 54, और आप लोग बहुत सारे दोस्तों, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आप लोग बहुत सारे अब क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगली क्लास हमारी एनपीओ की लास्ट क्लास होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब इसके बाद एनपीओ पूरा का पूरा हो जाएगा, लेकिन 90% एनपीओ जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में मैं आपको और भी एनपीओ के और टेढ़े मेढ़े और बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, और मोस्ट प्रोबेबली एक आध क्वेश्चन मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, मेक श्योर कि आप लोगों के जो भी फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 तक आप लोग सारे के सारे खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, मेरे वाले बुक के भी अगर आप लोग सारे क्वेश्चन कर देंगे, इट इज सीरियसली इट इज सफिशियंट एंड इट इज मोर देन इनफ फॉर योर बोर्ड। और अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 ये आपके बोर्ड में आया था 2 साल पहले 2018 में। ठीक है जी, तो कुछ एक बच्चे कह रहे हैं वो कर भी चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक दिन और, बस एक दिन और एनपीओ है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे जिसमें भी बहुत मजा आने वाला है। ठीक है जी, तो आपके पास फिलहाल 2-3 दिन हैं, प्लीज बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और क्योंकि घर में बैठ के और क्या काम है दोस्तों, तो प्लीज पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ठीक है जी।